हेलो फ्रेंड्स, हानवी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो गोभी लिए, 3 आलू, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 प्याज, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन की कली ली है। हम गोभी को काट के अच्छे से धो लेंगे। अब मैं गैस के ऊपर एक पैन लिया है, इसमें हम गोभी को डालेंगे और 5 मिनट इसे गर्म पानी में रहने देंगे ताकि इसके अंदर जो कोई कीड़े वगैरह वो साफ हो जाए। मैंने आलू को इस तरह कट किया है। अब मैंने एक चॉपर लिया, इसमें मैंने लहसुन, प्याज और अदरक को छील के काट लिया है और इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। इससे थोड़ा आसान हो जाता है और जो हमारी सब्जी है वो बिल्कुल बारीक कट के तैयार होती है। अब मैं इसी के अंदर प्याज को काट लूँगी। हमारे प्याज कितनी बारीक कट के तैयार हुई है। अब मैं इसे एक प्लेट में डाल लूँगी और इसी चॉपर में अब मैं टमाटर को भी काट लूँगी और इसे भी चॉप कर लूँगी। मैंने कढ़ाई ली है, मैं आलू गोभी की सब्जी कढ़ाई में बनाती हूँ, जल्दी बन के तैयार हो जाती है। मैंने सरसों तेल का यूज किया है, इसमें आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर हींग डालूँगी, ज़्यादा नहीं, मैंने 3 से 4 दाने हींग लिए हैं, आधा चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता और अब जो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च बारीक काटी थी उन्हें डाल देंगे और बीच बीच में चलाते हुए इन्हें अच्छे से पका लेंगे। हमारे प्याज भून चुके हैं, अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं और अब मैं इसमें नमक डालूंगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी पक जाए। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर में हमारी जो सब्जी है उन्होंने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मैं देखिए ज़्यादा मसाले का यूज नहीं करती हूँ, जो 1-2 मसाले हैं उन्हीं से ही मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी टेस्टी सब्जी बना के तैयार करूँ। और हमारे मसाले भी पक चुके हैं। अब मैं सबसे पहले आलू डालूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब प्लेट ढक के इसे 5 मिनट के लिए पका लूँगी लो फ्लेम पे। पाँच मिनट हो चुके हैं, मैं एक बार इन्हें अच्छे से चला लूँगी और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गोभी और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो ये मसाला है वो अच्छे से गोभी पे और आलू पे लग जाए। अब मैं इसे ढक के पका लूँगी, आप इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लें। मैं कोई भी खुली सब्जी कढ़ाई में बनाती हूँ तो उन्हें लो फ्लेम पे बनाती हूँ ताकि उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। आप जितनी लो फ्लेम पे अपनी सब्जियाँ बनाएंगे आपकी सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो आलू को भी उबाल के डाल सकते हैं। देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है और ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। ऊपर से हरा धनिया लगाएंगे। यदि आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे लिए आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत कीमती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।